और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जिसको आपने इस फिल्म में एड्रेस करना है, क्योंकि अगर आप पूरी चीज को एड्रेस नहीं करेंगे, आप नैब के पास कोई भी ऐसा इख्तियार छोड़ देंगे वो उसको भी शुरू करेंगे। मेरे खिलाफ नैब के पहले जो केसेस थे वो 99 में पहले जो इसके क्लाइंट थे, मैं नैब का था, मैं सीए के चेयरमैन था। और ये भी रिकॉर्ड की बात है कि मेरे केसेस में पीआईए से उस वक्त के लॉ मिनिस्टर और अटर्नी जनरल ने 11 करोड़ रुपया फीस ली। दोनों वफात पा गए, अल्लाह उनको बफर फरमाए। 11 करोड़ उन्होंने पीआईए से मेरे खिलाफ नैब की रेफरेंस बनाने के लिए फीस ली, और कोई रेफरेंस नहीं बना, एक रेफरेंस बना, वो रेफरेंस मेरे से पता नहीं क्या चीज थी, एक पुराना केस देखो, $1,000 की करप्शन का केस उसमें बनाया गया जो 8 साल चलता रहा, और 8 साल में इसी अंदर आ। तो इसलिए मैं ये रखना चाहता हूँ आपके सामने कि अगर आप इस लॉ को दुरुस्त नहीं करेंगे, लॉ मिनिस्टर साहब से आप ज्यादा कर रहे हैं, वो तो ब्रीफ गवर्नमेंट का लेकर आएंगे, आप सब वजीर रहे हैं, कोई वजीर खुद तो डिसाइड नहीं कर सकता ना, हुकूमत ब्रीफ देती है कि भाई ये तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ये जानते हैं कि हुकूमत के चलाने में आज सबसे बड़ा मसला क्या है, कोई सेक्रेटरी किसी कागज में साइन करने को तैयार नहीं है। मैं वज़ीर-ए-आज़म था, मुझे 3 सेक्रेटरीज ने कहा कि हम इस समरी पे साइन करके नहीं भेजेंगे, आप हमें खास होता, और उन समरीज की वजह से मैं पूरे वसूल से कह सकता हूँ सैकड़ों अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान को हो चुका और होता रहेगा, ये हकायक है नैब के। तो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब की ख्वाहिशात अच्छी होगी, मर्जी कहते रहे, हुकूमत नहीं चलेगी। तो पहली बात यह है कि इस नैब को खत्म करें, मुकम्मल तौर पर इसको एफआईए में डाल दें, तो सब लोगों को वहां पर काम करेंगे, कानून मौजूद है, करप्शन पकड़ने की नीयत है, पूरी दुनिया टैक्स लॉ से करप्शन पकड़ती है, ये मुझसे परवीन नसीम साहब बहुत बेहतर जानते हैं, क्योंकि करप्शन की बुनियादी बात है आप पैसा बना सकते हैं छुपा नहीं सकते नजर आ। तो ये बात है बुनियादी असूल की। नैब बना क्यों था आप सब जानते हैं, 3 हफ्ते में ऑर्डिनेंस बना सियासतदानों को तोड़ने के लिए, पोडा पंडे, प्रोडा पंडे, एफडो पंडे, उसके जयला की मार्शल ऑर्डिनेंस वो जो रेगुलेशन पंडे, वो नया भी है, बिल्कुल यही बातें, इत्तेसाब ब्यूरो भी पढ़ बिल्कुल दो पॉइंट आगे आगे करें। मैं आपको इश्यूज बता देता हूँ, कुछ आपके बिल में है कुछ नहीं है, कुछ पार्टी के बिल में है कुछ नहीं है। मैं बेसिकली इश्यूज जो फेस करता है एक आदमी नैब के सामने वो आपके सामने रखूंगा, उसको फिर आप लेजिस्लेशन में कन्वर्ट कर जी। तो ये 5 मेजर इश्यूज हैं जो ऑलरेडी शायद कवर्ड है, मैं उनको रीट्रेट कर देता हूँ जी आगे तक। पहला जी बर्डन प्रोसिक्यूशन जो है जी, ये पॉसिबल नहीं है कि आप ये जोर और साबित तौर पर जोर नहीं है, ये बहस तुम्हारी है बहस मेरे साहब कहां साबित तौर पर मेरी नहीं है, ये इंसाफ के बुनियादी असूलों के खिलाफ। दूसरा प्रोविजन ऑफ बेल, वो ये एक कोर्शन का मेथड है कि जब बेल नहीं है किसी चीज में तो फिर कोर्शन बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, नैब उसको इस्तेमाल करता है। तीसरा रिमांड कत्ल का 14 डेज है, यहां पर आपकी बरामदगी से कुछ आपने करनी नहीं है, किससे क्या बरामद किया आपने, अगेन ये कोर्शन का तरीका है। मैं 70 दिन रिमांड में रहा हूं, मुझसे किसी ने कोई सवाल ही नहीं पूछा, जो आगे 2-4 बातें की है वो मैं उसे एक साथ पहले लिख के दे चुका था उसके जवाब। फिर अरेस्ट अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, मैं 1 साल से कॉपरेट कर रहा था, अरेस्ट क्यों करते हैं आप, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये बात पूछी है, अरेस्ट क्यों करते हैं, और सिलेक्टिव अरेस्ट क्या है, एक को पकड़ा एक को नहीं पकड़ा। तो ये अगेन ये क्वेश्चन का तरीका है, बदनामी का तरीका है, ये आपको दबाने का तरीका होता है। ये याद रखें ये सिर्फ सियासतदानों में इतलाक है इस लॉ का, तो सियासतदानों को तोड़ने मरोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है ये लॉ, तो ये अरेस्ट उसके अंदर एक मेथड है, बदनामी की जाती है, आपको फिजिकली अरेस्ट किया जाता है, तो ये उसका है। तो पांचवा जी, और अगर अरेस्ट आपने करना है तो पहले कोर्ट से अप्रूवल लें, आपने उनको इधर उधर करना था, ये बेहतरीन कानून है। तो आप सिर्फ नैब में पब्लिक ऑफिस होल्डर वो आदमी हो जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी खुद रखा हो जो करप्शन कर सके,
अगर साद रफीक साहब पे क्या केस है? प्लॉट वो उसमें मैं आऊंगा। अगर मैं मेरी हाउसिंग आप लैब का रिकॉर्ड देख लें, हर बड़ी हाउसिंग स्कीम को बनाया गया वहां, वो भी आगे बताऊंगा क्यों बनाए जाते हैं। तो पब्लिक ऑफिस होल्डर जो इलेक्टेड अथॉरिटी लगता है उसको उस पर ही होना चाहिए। और चूंकि अगला पब्लिक फंड करप्शन में पहले पब्लिक फंड नहीं करूंगा या इलीगल ग्रेटिफिकेशन ड्यूरिंग माई स्टे इन ऑफिस, मैं अगर ऑफिस में नहीं हूं, मैं अगर गलत काम करता हूं, क्योंकि कानून मौजूद है, मुझे प्रोसिक्यूट करें आप। तीसरा जी, डिसीजंस ऑफ कैबिनेट, ईसीसीआई, सीसीआई, एनईसी, पॉलिसी मेकिंग बॉडीज, इनको नैब का आयोजित करते हैं या गलत है, मुल्क पॉलिसी गलत है, फिर मेरी गुजारिश है मुल्क से हवाले कर दिए, फिर चलाने दे वजीरों को। तो इसको तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन भी हासिल है इस बात को, लेकिन वो नहीं मानते, वो कहते नहीं कि आपने पॉलिसी गलत बनाई थी, मुल्क का 350 अरब का नुकसान कर दिया। डॉक्टर आसिफ साहब मुझसे पहले वजीर थे पेट्रोलियम के, 460 अरब का केस बनाया, आज तक 3 साल हो गए प्रोसिक्यूशन नहीं हुई। और मैं तो वजीर था तो मैंने कहा कि हमारे पास कोई केस डॉक्टर आसिफ कासिम के खिलाफ नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई रिकॉर्ड एविडेंस नहीं है। तो चेयरमैन नए बड़े नाराज हुए, उन्होंने बड़ी मुझे खत वत भी लिखे कि आप क्या कर रहे हैं, ये हालात है। तो डिसीजन ये तो इनको तो सेंट्रिटी दे ना। अगला जी, डिटेल्स ऑफ एसेट इनकम एक्सपेंडिचर 1985 से दे दे, 1985 35 साल के, मेरे ख्याल चेयरमैन नैब दे सकता है, मुझसे 20 साल की बड़ी मेहरबानी की 20 साल के बाद मैं वो भी लेके दे दी, मैं क्या है आप उस पर अगर कोई ऐसी बात मैं लिख दूं जिसको उनका एविडेंस मिल जाए, मैंने बिजली का बिल लिखा अगर 2000 रुपया वो निकल आए 8000 रुपया, मुझे टेक्निकली नैब मुझे फॉल्स स्टेटमेंट में अंदर कर सकता, ये उसको टैक्सेशन के लॉज है 7 साल के, वहां की लिमिट करें 6 साल के, वहां तक उसको लिमिट करें। फिर तो ऐसे इनकम एक्सपेंडिचर हम जो सहसदार हैं, हम तो हर साल देते हैं, हम हर साल देते हैं कि हमारे ये एसेट हैं। और फॉर्म बे जो इस दफा इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ है वो बड़ा डिटेल फॉर्म है, और मैं गुजारिश करूंगा लॉ मिनिस्टर साहब से कि इस मुल्क के हर वो शख्स जो गवर्नमेंट से तनख्वाह लेता है उसको भी फॉर्म जरूर दे, भरवाएं उसे, बड़े बड़े पर्दानशीन सामने आ जाए, जो हमने भरा है आपने भी भरा है मैंने भी भरा है सब गुजरात में भरा हुआ, जो फॉर्म बे इस दफा इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ है थोड़ा काम है ना, वो जो बहुत डिटेल था कोई डाउट नहीं है, कॉम्पिटेंस में कोई डाउट नहीं है, रिटायर हो गए,
आप उनको जब बुला के ये कहेंगे ये अरेस्ट वारंट है और ये अप्रूवल स्टेटमेंट है तो गरीब क्या करेंगे? नैब की फीस की वकील क्या है वो लॉ ऑफिसर साहब बता दें, 40 लाख से शुरू होती है, वो कहां से देंगे? एक सिंधी साहब कराची में नैब का केस भुगतते हैं, हर महीने जाना पड़ता है 3 हफ्ते बाद, कहां से देंगे जहाज वगैरह? ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं। तो अगर आपने किसी को अप्रूवल बनाना है तो उसको एक्सक्यूज बनाए, जैसे आम लॉ में होता है, वो एक्सक्यूज भी होता है, उसको बाद में आप माफ करते हैं, और वो आदमी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे के मैंने मॉनेटरी गेन हासिल किया है, सर ये कह देना कि मैं अप्रूवल हूं जिसने काम गलत किया था, ये कौन सी अप्रूवल की स्टेटमेंट है? वो दे ना कि यार मैंने, हमने करप्शन की मिलकर, और ये मेरा मिनिस्टर था, मैं सेक्रेटरी था, मिलकर करप्शन की, मैंने इतना पैसा मेरे अकाउंट में आया है, मैंने ये मॉनेटरी गेन हासिल किया, अब मैं अप्रूवल बनना चाहता हूँ, मुझे आप माफ कर दे, मैं एविडेंस दे दूंगा, ये करें आप बिल्कुल दुरुस्त है। मिसयूज अथॉरिटी, ये कुछ आपने एड्रेस किया है इसके अंदर, इसमें इस ऑर्डिनेंस में, वो भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो मिनिस्टर है मुझे आपने आपने कोई करप्शन नहीं की, आपने मिसयूज अथॉरिटी की है, तो मैंने ठीक है मैंने की होगी, मुझे बता दें मिनिस्टर की अथॉरिटी क्या होती है, आप यकीन करें मुझे नहीं पता, मेरे लॉ मिनिस्टर साहब को नहीं पता कि मिनिस्टर की अथॉरिटी होती है, मिसयूज कैसे करूंगा? आप डिफाइन करें एक अथॉरिटी है क्या जो मिसयूज की गई है, ठीक है? आगे ये तीन चीजें हैं जो नैब इस्तेमाल करते हैं, जब कुछ नहीं मिलता ना ये तीन चीजें आ जाती है, एसेट बियॉन्ड मींस, मेरे दादा साहब क्या करते थे मुझे नहीं पता, उन्होंने प्रॉपर्टी कैसे बनाई मैं उससे जिम्मेवार नहीं, मेरे वालिद साहब ने क्या किया मैं उससे जिम्मेवार नहीं, जब आप ये सवाल आप शुरू कर देंगे कि ये एसेट और नीज है जब ये तुम्हारे तुमने 1990 में प्लॉट किया था उसके आप निर्वाह है नहीं, तो जो एसेट डिक्लेयर कर चुके हैं उसको आप फेस वैल्यू पर दें, जो मेरे 7 साल की स्टेटमेंट में है उसको फेस वैल्यू पर दें, आगे देखें ये उस पीरियड को देखें जब मैं मिनिस्टर था या प्राइम मिनिस्टर जो भी आप करना चाहें, तो एसेट बियॉन्ड मींस पाकिस्तान में कोई शख्स भी डिफाइन, आप हर आदमी को पकड़ सकते हैं पाकिस्तान में, आप कितना पीछे जाते हैं उस पर डिपेंड करता है, कोई नहीं बचेगा, ये भी नहीं बचेंगे मैं भी नहीं बचूंगा कोई भी नहीं बचेगा, पहली चीज ये, दूसरा बेनामी है, मेरे हर दोस्त हर रिश्तेदार हर बिजनेस एसोसिएट उनको बुलाकर कहा गया कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं उसकी प्रॉपर्टी, तुम साबित करो कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी, मैं आपसे रिजेक्ट नहीं करता यार, फिर तो अब रिकॉर्ड किए जा रहे हैं खुदा के बदले, मेरी एक बहू का अभी 1 साल नहीं हुआ उसको बुलाकर कहा गया कि तुम्हारे बाप की जमीन कितनी है, ये आज मुल्क के हालात है, और मैं बेनामी में ये भी बता दूं कि सिर्फ वो नहीं जो मेरे दोस्त रिश्तेदार या बिजनेस एसोसिएट थे, पकड़नी उनको बुलाएंगे हाउसिंग कॉलोनी, हाउसिंग हर हाउसिंग कॉलोनी को बुलाएंगे जो पैसे उनके पास है, उनको कहते हैं यार ये जो प्लॉट तुमने भेजे हैं ना ये प्लॉट है ये तुम्हारे नहीं है उसके, अब वो साबित करो, अब वो गरीब कहते हैं यार मैं मेरा नाम अखबारों में आ गया तो मेरा तो प्लॉटों की कीमत गिर जाएगी बिकने खत्म हो जाएंगे, वो सौदा कर रहे थे 2-4-6 करोड़ में, मुझे अभी जब मेरे गेट साहब 2 आदमी मिले हैं जो हाउसिंग कॉलोनी करते हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा आपने बड़ा बड़ा नुकसान कर दिया, मैंने कहा क्या हुआ, उन्होंने कहा हमें बुला के नैब ने कहा कि ये तुम्हारे नहीं है ये जमीन है उसकी जमीन है, तो कहते बड़ी मुश्किल से हमने कुछ पैसे देकर जान फड़ा, और आप मेरे ख्याल इस्लामाबाद पिंडी में कहीं जाएंगे तो आपको हर हाउसिंग कॉलोनी में मेरा हिस्सा मिलेगा, मैं उसके हिस्सेदार हूँ और भी लोग हिस्सेदार हैं उनके नाम भी ले, उनका नाम इस्तेमाल होता है हर एक का नाम इस्तेमाल होता है, फिर आते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ये सबसे आसान है मनी लॉन्ड्रिंग, मैंने जितने मेरे अकाउंट थे सारे उनके उनको देखिए ये ले लीजिए मेरा ले लिया, हर ट्रांजेक्शन पिछले पता नहीं 10 या 20 साल जो ट्रांजेक्शन है
मैं किसी को क्वेश्चन करना है बता दूंगा, ठीक है, कोई सवाल नहीं पूछ पाए। मेरे बेटे के लिए जो इंडिपेंडेंट कारोबार करता है, इंडिपेंडेंट टैक्स पेयर है, उसके भी अकाउंट निकाल लिए और उन सब की जो ट्रांजैक्शन हुई है ना, जो पैसा आया है गया है उसको इकट्ठा करके उन्होंने कहा जी देखे ना 1.5 अरब रुपया की गड़बड़ है भाई, वो 1.5 अरब उसकी ये है एक ट्रैवल एजेंसी है, उसमें हर साल 20-30 करोड़ का काम होता है, शायद उससे भी ज्यादा होता है, तो वो जो ट्रांजेक्शन करो वो इकट्ठा करके ये बैंक पे आया ये मार गया ये दिला टोटल करके 1.5 अरब अखबार में, ये जो हमारे साथ रेफरेंस है कोर्ट में दिया उसमें लगा हुआ था। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या मुल्क से बाहर पैसा भेजना होता है या मुल्क के अंदर लाना होता है, इसलिए बता दें 80 लाख कन्वेट हुए मुल्क के अंदर पैसा लाने। मैं यहाँ किसी केस की मिसाल दे रहा, मैं कोई उसकी वो फैसले हो गए वो देखी जाएगी। नहीं थी इंटरनल रेफरेंसेस, हर रेफरेंस का ये इंटरनल रेफरेंस है या फिर मैं डिफेंड किसी को करूँ, आप करें सप्लीमेंट्री रेफरेंस आप देंगे, दो मिनट आएंगे और सप्लीमेंट्री रेफरेंस आप देंगे, केस की हैसियत ही बदल जाती है। तो ये एक मूविंग टारगेट थे, ये बाबूसा वकील है बता दे कैसे वो डिफेंस कर सकते हैं वकील, ये एक सिस्टम ऐसा है जो पॉसिबल नहीं है। तो आप पूरा रेफरेंस तैयार करें कोर्ट में दें, रिटायर रेफरेंस सप्लीमेंट कर दीजिए कि ये तमाशा बंद होना चाहिए। आगे की खबर है कि आपके खिलाफ एक एडिशनल रेफरेंस आ रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी बना ले यार, एक जब बन गया बाकी कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता।